18 अगस्त 1954 को जन्मी वीके शशिकला तमिलनाडु की एक बड़ी नेत्री हैं। क्यों है चर्चा में, आइए जानते हैं। कभी जयललिता का राइट हैंड रही शशिकला ने बुधवार को राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने यह कदम विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले उठाया है। तमिलनाडु की राजनीति में इससे बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। आपको बता दें कि हाल ही में शशिकला भ्रष्टाचार के आरोप में 4 साल की सजा काट कर आई है और माना जा रहा था कि वह इस बार फिर राजनीति में उतर सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शशिकला ने बयान जारी कर संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि तमिलनाडु की जनता का आभार, कार्यकर्ता डीएमके को हराने के लिए वोट करें, मैं अब राजनीति से दूर रहना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि सत्ता और पद का कभी लालच नहीं रहा। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शशिकला अपनी नई पार्टी बना सकती है या फिर AIDMK को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने अंततः राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद जब शशिकला पहली बार तमिलनाडु पहुंची तो उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया था। खुद शशिकला ने अपनी गाड़ी पर AIADMK का झंडा और जय ललिता की फोटो लगाई थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में भाजपा और AIADMK मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं जेल से छूटने के बाद शशिकला के राजनीति में प्रवेश को लेकर जब भाजपा से इस संबंध में सवाल किया गया तो भाजपा नेताओं ने यह कहकर इस सवाल को टाल दिया कि इसका फैसला AIADMK को करना है। गौरतलब है कि तमिलनाडु 274 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होना है, जबकि नतीजों का ऐलान 2 मई को किया जाएगा। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।